भाजपा के नवनियुक्त हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने दो दर्जन से ऊपर परिवारवाद पर टिकट दिए हैं। ये राहुल गांधी का फॉर्मूला है जिससे हिमाचल कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनेगा। भाजपा प्रवक्ता हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, विनोद सुल्तानपुरी, राम कुमार, हर्षवर्धन चौहान, विनय कुमार, चंपा ठाकुर, सोहन लाल, आदित्य विक्रम, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त, लखन पाल, सुधीर शर्मा, चंद्र कुमार, यादविंदर गोमा, संजय रतन, विप्लव ठाकुर, सुरेंद्र भारद्वाज, अजय महाजन, आशा कुमारी, नीरज नेर, मुकेश अग्निहोत्री, विवेक शर्मा, ये सब उम्मीदवार परिवार के ही ऊपर हैं, जिससे कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेकर भाजपा पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है और मात्र चुनावी रस्म अदायगी कर रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जोश में है और संगठित होकर समर्पित भावना से भाजपा के मिशन 50+ को पूरा करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरुआती दौर में ही मुकाबले से बाहर हो चुकी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह सहित भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों का हिमाचल में कार्यक्रम बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से परिवारवाद के गिरफ्त में है। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 22 लोगों को परिवारवाद के ऊपर टिकट दिए हैं। 22 उम्मीदवार जो हैं वो परिवारवाद की पौध हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जनहित का लक्ष्य लेकर चली है। जिस पार्टी की पूरी योजना मात्र परिवारवाद पे घिरी हो, मात्र 22 परिवारों के हाथ में प्रदेश की सत्ता को सौंपने का जिनका इरादा हो और जिस पार्टी के पास परिवारवाद के साथ संगठन जो है उसका शिराजा बिखरा हुआ हो, वो पार्टी और जो भ्रष्टाचार में डूबी हो, जिस पार्टी के अध्यक्ष ने अपना पेशा जो है वो राजनीति बताया हो, जो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, जो परिवारवाद के ऊपर काम कर रहे हैं, उस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। भाजपा कोसों मील आगे है कांग्रेस से और निस्संदेह हम 50+ का जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी उसके नज़दीक भी नहीं रह सकती है।